हेलो फ्रेंड्स, सबको मैं वेलकम करता हूं मेरा चैनल डिमापुर बंगाली में। मेरा नाम है किशोर एहता। आज हम लोग का संक्रांति है, जैसे कि आप जानते हैं बंगाली लोग का संक्रांति होता है 13th of April। तो आज हम लोग का घर में क्या पका है ये देखिए। ये है हम लोग का सब्जी, इसको बोलते हैं पाचन। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल को मिला के ये सब्जी बनाया जाता है, और इसमें बहुत सारा सब्जी आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये है दाल, और ये है देखिए, ये है बैंगन का, बैंगन भाजी और पापड़। तो आज ये है मेरा लंच। बहुत भूख लगा है इसलिए मैंने ड्रेस भी नहीं खोला हूँ, अभी खाना खा के फिर मुझे निकलना पड़ेगा, काम है कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये मैं दाल ले रहा हूँ, ये देखिए मैंने दाल ले लिया। वेज खाना अच्छा लगता है मुझे, और अगर ये एक किस्म का पाचन हो तो और भी अच्छा लगता है मुझे। तो एक बैंगन भाजी ले लेता हूँ, एक पापड़ भी ले लेता हूँ। मज़ा आएगा आज खाने के लिए, है कि नहीं। ये पाचन जो है बहुत किस्म का सब्जी मिला के बनाया जाता है। देखिए इसमें जैसे कटहल है, ये कटहल है, उसके बाद में ये गाजर है, उसके बाद में आपका पुई साग है, पुई साग का पत्ता, ये देखिए। और भी बहुत कुछ है, आपका मीठा मीठा लाव है, बहुत कुछ है। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। ये है बंगालियों का पाचन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैडम ने बनाया है। इसमें ड्रम स्टिक है, इसमें आलू है, इसमें आपका कोचू, कोचू को आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलता है अरबी ना, अरबी, अरबी भी है। फिर केले का जो पेड़ होता है, पेड़ के अंदर में एक ट्यूबलाइट जैसा रहता है, उसको हम लोग बोलता है भोराली, आप लोग क्या बोलता है पता नहीं। वो भोराली भी है, वो भी हम लोग खाते हैं, टेस्ट होता है खाने के लिए। उसमें बहुत कुछ विटामिन मिनरल्स बहुत कुछ मिलता है आजकल। लेकिन खाना बहुत ही स्वादिष्ट हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट। ये मतलब मेरा वाइफ बनाया बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रियली जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें वो भी है, करेला भी है थोड़ा सा, वो हम लोग बोलते हैं तीता, आप लोग क्या बोलते हैं कड़वा बोलते हैं ना, कड़वापन थोड़ा सा लाना पड़ता है, इसलिए करेला है। आप लोग क्या क्या खाते हैं संक्रांति में थोड़ा बताइएगा कमेंट में, क्या खाए हैं, क्या खाते हैं। जो आसाम से है, आसाम से जो लोग हैं वो लोग तो बिहू में आज बिहू बना रहे हैं, तो बिहू का भी अलग मजा है, बिहू में अलग खाना पीना होता है। इसमें पटल भी है, ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक को हम लोग बोलते हैं सजना, आप लोग क्या बोलते हैं। इसमें ये देखिए, वो भी है, क्या बोलता है इसको, नाम भूल जाता हूँ मैं, इसका नाम क्या, किडनी बीन, किडनी बीन को क्या बोलते हैं, किडनी बीन को बोलते हैं, नाम भूल जाता हूँ, नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है।
सॉलिड है, सॉलिड। हम लोगों का नियम होता है कि संक्रांति में उसको बोलते हैं पाचन, जिसमें पांच किस्म का सब्जी, पांच किस्म का दाल और बहुत कुछ मिला के खाने का। तो सब्जी ही इतना हुआ है, दाल इतना नहीं चाहिए इसमें, दाल अलग से बना हुआ है। ये देखिए दाल, ये देखिए एकदम घना सुनहरा दाल, देखिए टेक्सचर, देखिए कलर, देखिए दाल का, वाओ। हाउ इज द पापा, हाउ इज द फूड? फूड इज वेरी गुड, गुड ना, वेरी वेरी गुड। And what this one? This is I don't eat. This is bay leaf. This one? Bay and bhaji. It's a steak. This one? Everything, everything. Even dal? Yes, even dal is tasty. वाओ, सब्जी अभी बहुत गर्म है, गर्म का वो आ रहा है। मीठा हुआ सब्जी, बहुत वो मीठा लाव के वजह से। ये ड्रम स्टिक का छिलका देखिए, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा। गुड, वेरी वेरी गुड, इट्स लाइक हेवन। ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में हूँ, रियली ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में खाना खा रहा हूँ, इतना टेस्टी हुआ है। खाने के बारे में कोई सवाल ही नहीं है, खाना बहुत ही टेस्टी है। ये खाना खाने से आपको प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, जो कुछ मिलेगा सब मिलेगा। पहले पहले जब मैं छोटा था तब ये सब खाना इतना अच्छा नहीं लगता था, खराब लगता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ अच्छा लगने लगा। तो हम लोग धीरे धीरे कविश को भी ये सब खाना सिखाएंगे, कविश भी खाएगा एक दिन। अभी इतना देर कविश मेरा वीडियो कर रहा था, वो बोल रहा है कि उसको बहुत जोर से सुसु लगा है, तो इसलिए खेद है उसके लिए।
अभी मैं ही कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से खा रहा हूँ। तो खाना जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त खाना हुआ। टेस्टी। बहुत टेस्टी। वेरी टेस्टी। आप लोग बताइए काइंडली, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे बारे में, अगर मेरे सामने अभी मीट का ऑप्शन रखे और ऐसा सब्जी रखे तो मैं ये सब्जी खाना पसंद करूँगा मीट की जगह में। आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे, मीट या ये सब्जी? आप लोग काइंडली कमेंट करके बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या खाएंगे। आपके सामने अगर मीट रख दिया जाए या सब्जी रख दिया जाए तो आप लोग कौन सा खाएंगे, आप लोग बताइएगा। वैसे कल का वीडियो भी एक्साइटिंग होने वाला है, कल बेंगलुरु न्यू ईयर है, हम लोग का न्यू ईयर है, तो बाहर से बिरयानी लाएंगे। मैं एक नहीं बहुत सारा खुला है बिरयानी सेंटर, तो उसी में से एक से लाएंगे बिरयानी, आप लोग खा के बताएंगे कैसा है। टेस्टी ना? यस वेरी टेस्टी। हाउ मच टेस्टी? वेरी टेस्टी। वेरी टेस्टी। तो कबीर भी बिजी हो गया, मैं खाना खत्म करता हूँ।